सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुक करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस को फिर बड़ा झटका, अशोक शर्मा ने पार्टी को कहा अलविदा, गुलाम नबी आजाद ने कसा तंज। नरोत्तम मिश्रा के टुकड़े टुकड़े गैंग पर आया चिदंबरम का जवाब, बोले उन्हें तो केंद्रीय गृह मंत्री बना देना चाहिए। टीएमसी सांसद का विवादित बयान, अगर ममता बनर्जी को चोरी की रानी कहा तो पीठ पर घूसा खाने के लिए तैयार रहो। मद्रास हाई कोर्ट ने जलाशयों को लेकर दी चेतावनी, कहा अतिक्रमण के कारण आते हैं सुनामी भूकंप। मुरुगा मठ के संत शरणानु की जमानत पर सुनवाई कल, मेडिकल ग्राउंड पर वेल के लिए किया अप्लाई। तारापुर पावर स्टेशन से लापता हुआ सीआईएसएफ गार्ड, राइफल और 30 कारतूस भी गायब। इसरो ने आईएडी के साथ नई तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, भविष्य के मशीनों में साबित होगा गेम चेंजर। पंजाब में महिला के हाई वोल्टेज ड्रामे, काले शीशे देख पुलिस ने कार रोकी तो खुद को अंदर लॉक किया, बहस भी हुई। होशियारपुर कोर्ट में पेश हुए सुखबीर बादल, दोहरे संविधान के केस में हुई पेशी, अकाली दल की मान्यता खारिज करने की याचिका। स्कूल के मुद्दे पर शर्मा केजरीवाल में ट्विटर वार जारी, असम के सीएम ने कहा हमें चुपचाप काम करना पसंद। कांग्रेस के बयान पर गुलाम नबी का जवाब, कहा दूसरे राजनीतिक दलों से मिलने या बात करने पर डीएनए नहीं बदलता। नाबालिग आदिवासी से रेप, प्रेग्नेंट हुई तो मार डाला, दुमका में फिर वारदात, मर्डर सुसाइड लगे इसलिए पेड़ से लटकाया। सीएम नीतीश दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मिलेंगे, जेडीयू की कारिणी में बोले देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा। लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा बीजेपी 50 सीटों तक सिमट जाएगी। गुजरात में लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन, डीसा में 11 हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे, भीड़ काबू करने के लिए पुलिस ने बरसाई लाठियां। घूस लेते हुए लेखपाल गिरफ्तार, वाराणसी में किसान से मांग रहा था 8,000 रुपए, एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा। मथुरा में स्वामी हरिदास संगीत एवं नृत्य महोत्सव, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और दया शंकर सिंह ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। बिजनौर में सीएम योगी ने विदुर कुटी में रखा कदम, महात्मा विदुर को दिया नमन, वृद्धों से बात कर जाना उनका हाल। लखनऊ में शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विद्यालय में बीएड की छात्रा ने किया सुसाइड, हॉस्टल में मिली लाश।
आगरा में डेंगू की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया, स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं का इंतजार। मिर्जापुर में शिक्षिका का निलंबन, बीएसए ने माना कंपोजिट विद्यालय में गुटबंदी, विवाद टालने के लिए किया तबादला। जौनपुर में देर रात बीजेपी नेता अजय शंकर दुबे का हुआ एक्सीडेंट, शीशम के पेड़ से टकराकर गाड़ी 10 फीट खाई में गिरी। जालौन में मजदूर की झोपड़ी में लगी आग, मौके पर नहीं आई दमकल की गाड़ियां, झोपड़ी के साथ सामान भी हुआ जलकर राख। रायबरेली में बीजेपी के पूर्व विधायक राम नरेश रावत का निधन, दिल्ली में चल रहा इलाज, 2 महीने से चल रहे थे बीमार। बीएएमएस की कॉपी बदलने में दिल्ली का डॉक्टर गिरफ्तार, आगरा यूनिवर्सिटी के कई बाबू भी रडार पर, पुलिस जोड़ रही कड़ी से कड़ी। सोनभद्र में पाइप से लटका मिला विवाहिता का शव, लड़की के पिता बोले दामाद बुलेट और टीवी की मांग कर रहे थे। सहारनपुर में पहली बार एक साथ 900 हिस्ट्री सीटर एक साथ होंगे जमा, पुलिस लाइन में संकल्प शिविर में अपराध ना करने की खाएंगे कसम। बुलंदशहर में मनरेगा में हो रहा भ्रष्टाचार की पोल खुलने पहुंची लेखपाल, विकासकारों से कई तरह की गड़बड़ियां आई सामने। अमरोहा में खोखे में लगी आग, हजारों रुपए का सामान जलकर राख, दमकल की गाड़ी ने आधे घंटे में पाया काबू। बुलंदशहर के परिवार ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, दबंगों से परेशान बोले कोतवाल हमारी हत्या कराना चाहते हैं। बेटी को मां बाप ने जिंदा नहर में फेंका, मेरठ में खुद थाने में दर्ज कराई अपहरण की रिपोर्ट। गोंडा में जलापूर्ति में हो रही लापरवाही, कार्यदायी संस्था को 15 दिन का दिया गया समय, सांसद की नाराजगी पर पहुंचे अधिकारी। कौशाम्बी में 200 साल पुराने मंदिर में हिंदू संगठन ने की पूजा, मंदिर को हरे रंग से पोते जाने पर जताई नाराजगी, 1629 में बना था शिवालय। लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत पर मुकदमा दर्ज, भाजपा नेता की तहरीर पर हुई कार्रवाई, पुलिस पर मामला छिपाने का आरोप। कांग्रेस की आला बोल पर केशव का पलटवार, डिप्टी सीएम ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कांग्रेस अंत की ओर है। अयोध्या पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, राम लला का दर्शन कर समीक्षा बैठक करेंगे, राम कथा पार्क में कारों का किया निरीक्षण। कानपुर देहात में गौरक्षक का शिव मंदिर में खूंटी से लटका मिला, परिजनों ने कहा हंगामा, बोले हत्या की मिली थी धमकी। जालौन पहुंचे सांसद भानु प्रताप वर्मा, बोले अल्पसंख्यक समाज की तरक्की में बाधा बन रहे हो वैसी। चंपारण रेस्टोरेंट के मालिक पर लूट का मुकदमा, वाराणसी में अधिवक्ता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। थाने में रात भर धरने पर बैठे रहे सपा विधायक, चंदौली के बलुआ थाना अध्यक्ष पर फोन नहीं उठाने का आरोप।
मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी गोली, स्कॉर्पियो में लाद कर बछड़े को काटने ले जा रहे थे 5 गौ तस्कर। आगरा में नशेबाज दबंगों ने बुजुर्ग दंपत्ति को पीटा, गाली गलौज से मना करने पर किया हमला, लोहे की रॉड से पीटा। मैनपुरी में हनुमान बने युवक की मंच पर मौत, गणेश उत्सव में राजभवन पर डांस करते करते गिरा फिर उठा ही नहीं। पोलिंग बूथ में बवाल पर थानेदार सस्पेंड, इटावा में प्रधानी के उपचुनाव में दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। बाराबंकी में मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की जमकर पिटाई, बच्चा चोर बताकर युवक ने घटने को दिया अंजाम। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड मूसा का साथी लखनऊ से गिरफ्तार, अब तक 34 को पकड़ चुकी है एसटीएफ। उत्तराखंड भाजपा सरकार पर प्रियंका का हमला, कहा उत्तराखंड में भर्ती घोटालों का विशाल रैकेट चल रहा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जा रही 35 यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, चालक परिचालक फरार। उत्तराखंड विधानसभा भर्तियों की जांच के लिए कमेटी गठित, स्पीकर ऋतु बोली ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। अब और बढ़ेगी सरेआम जाम छलकाने वाले बॉबी कटारिया की मुश्किलें, उत्तराखंड पुलिस जारी करेगी एक और नोटिस। उत्तराखंड में हरीश रावत के सुझाव से मची हलचल, कांग्रेस में तेज हो सकती है गुटी खींचतान। उत्तराखंड की सड़कों पर नहीं थम रही मौतें, 7 महीने हुए 956 सड़क हादसे, 610 ने गंवाई जान। उत्तराखंड में बरेली के दो भाई देहरादून में 4 साल से बेच रहे थे स्मैक, एसओजी ने दोनों को गिरफ्तार किया। पेपर लीक मामले में सचिवालय रक्षक परीक्षा नियंत्रक की भूमिका संदिग्ध, आयोग के अंदर से लीक हुआ था पेपर। हरिद्वार में 11वीं के छात्र का शव मोहम्मदपुर झाल में बरामद, ट्यूशन जाने के दौरान हुआ था लापता। उत्तराखंड में 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, कहीं कहीं ओलावृष्टि के आसार। उत्तराखंड में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, प्रदेश में मिले 77 नए संक्रमित, रिकवरी दर 95.67 और संक्रमण की संख्या 4.22% दर्ज। धर्म संसद में अभद्र भाषण देने के आरोप में जितेंद्र त्यागी ने किया सिलेंडर, बोले हो सकती है मेरी हत्या। उत्तराखंड में सामने आ रहे घोटालों पर पीएम मोदी तोड़े अपनी चुप्पी, आप नेता ज्योत सिंह विष्ट का तंज। उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल पर आ सकती है भर्ती प्रकरण की आज, बड़ा निर्णय ले सकती है भाजपा। नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के बाद विमान ने खोया संतुलन, 7 मिनट के भीतर की गई आपात लैंडिंग।
उनका में यौन हिंसा पर प्रस्ताव, चार संसाधनों के बाद स्वीकृत पीड़ितों के लिए न्याय का आग्रह। राष्ट्रपति पुतिन की अनुपस्थिति में दी गई गोरवा चेप को विदाई, नहीं हुआ राजकीय अंतिम संस्कार। दूसरी बार भी विफल रहा नासा का चांद पर जाने वाला मिशन, इंतजार में गड़बड़ी के बाद कार्यक्रम रोका। ड्रैगन का आक्रामक रुख जारी, चार चीनी युद्धक विमान, पांच नौसैनिक जहाजों ने ताइवान जल मांडू मध्य को किया पार। रूस को तोड़ने का अमेरिकी सपना, सामूहिक विनाश का रास्ता साबित होगा पुतिन के खास की धमकी। इटली में चुनाव 25 को, कट्टर राष्ट्रवादी जॉर्जिया को पीएम पद के चुनाव में बढ़त, अप्रवासियों के विरोध पर मिल रहा समर्थन। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बांग्लादेश पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान, देश के लिए बताया बड़ा बोझ। सोमालिया में अल शबाब के आतंकियों ने किया हमला, कम से कम 19 नागरिकों की मौत। भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ग्रीस को दी धमकी, बोले हमें कोई रोक नहीं सकता। भारतीय इकोनॉमी में आगे भी जारी रहेगी तेजी, 2029 तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। चाइनीज लोन ऐप केस में ईडी का एक्शन, पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री के 6 ऑफिसों पर रेड, 17 करोड़ रुपए जब्त किए। टाटा नेक्सन ईवी जेट एडिशन लॉन्च, एसयूवी प्राइम और मैक्स 2 वेरिएंट्स में जिसकी कीमत 17.5 लाख रुपए से शुरू। पीडी पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न, कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, 6.10% तक मिलेगा इंटरेस्ट। आईएमएफ ने जताई चिंता, महंगाई के कारण पाकिस्तान में शुरू हो सकते हैं प्रदर्शन। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बाजार पूंजी से भारी गिरावट, फिर भी पहले स्थान पर काबिज रही कंपनी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा भारत में मुद्रास्फीति का रुख अब नीचे की ओर। अगस्त में भारत के एक्सपोर्ट्स में 20 महीने बाद आई पहली गिरावट, इंपोर्ट बढ़ने में व्यापार घटा भी बढ़ा। गौतम अडानी को मिलेगा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, सुंदर पिचाई, जेफ बोनस तक को मिला है ये सम्मान। क्रिप्टो मार्केट में गिरावट जारी, बिटकॉइन में 96,000 और इथेरियम में 12,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान, आने वाले T20 कप में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, भारत के खिलाफ मैच से तेज गेंदबाज शहनवाज दहानी बाहर, 43
धोनी करेंगे सीएसके की कप्तानी। पिछले सीजन में सुपर किंग्स ने दो बार कप्तान बदले थे, अब सीईओ बोले धोनी ही संभालेंगे कमान। मारो मुझे मारो मीम वाले मोमिन ने इरफान पठान से पूछा सवाल, इरफान ने कहा इस बार रिपीट ही होगा। विवियन रिचर्ड्स के खास में शामिल हुए डेविन वार्नर, कपिल देव और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान की पहली हार, गुरबाज के 84 रन की अफगान टीम को जीत नहीं दिला पाए। रविंद्र जडेजा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए, घुटने की चोट ने बढ़ाई परेशानी, जल्द कराएंगे सर्जरी, एशिया कप में भी नहीं खेल रहे। राहुल द्रविड़ का चौंकाने वाला बयान, कहा ऋषभ पंत विकेटकीपर के लिए टीम की पहली पसंद नहीं। ऐतिहासिक जीत की खुशी मनाते नहीं थक रहे जिम्बाब्वे खिलाड़ी, टीम बस में हैरत भरे अंदाज में जश्न मनाकर लूट रहे महफिल। राजेश चौहान बोले विराट बड़े प्लेयर, सिर्फ बेसिक पर ध्यान दें, इंडिया के पास मैच विनर्स लेकिन बाबर से बचकर रहें। देशी गर्ल गाने पर झूम कर नाची मृणाल ठाकुर, पिंक शरारा सूट में दोस्त के साथ किए बेहतरीन डांस मूव्स। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने शेयर किया वीडियो, को एक्ट्रेस अल्पना बुच संग की सायरन पर सनन ने दिखाई दरिया दिली, अपने अनोखे फैन के साथ जमीन पर बैठकर ली सेल्फी। मोहम्मद फैज बने सुपरस्टार सिंगर, सीजन 2 के विनर, ग्रैंड फिनाले में जीता किताब, घर ले जाएंगे 15 लाख रुपए का इनाम। कपिल की वजह से नहीं चल रही अक्षय की फिल्में, एक्टर बोले ये आदमी मेरी सारी चीजों को नजर लगाता है। सेंटा क्रूज पर स्पॉट हुई मलाइका अरोड़ा, न्यू हेयर लुक में दिखी स्टाइलिश, बालों को प्लॉट करती आई नजर। बॉलीवुड के बुरे दौर पर जूनियर एनटीआर बोले इंडस्ट्री को ऑडियंस के लिए अच्छी और बेहतर फिल्में बनाने की जरूरत है। करियर पर श्वेता वासु प्रसाद बोली जब लगने लगेगा कि सब कुछ हासिल कर लिया तब ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आयान मुखर्जी ने शेयर किया ब्रह्मास्त्र का प्री रिलीज प्रोमो, 6 दिन पहले शुरू हुई एडवांस बुकिंग, 9 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। गुड बॉय का फर्स्ट लुक हुआ आउट, अमिताभ बच्चन रश्मिका मदाना पहली बार आएंगे साथ नजर। फिलहाल प्राइम शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।